कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अंदाजे से 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। उम्मीद है आने वाले 5 साल में 11% CAGR से बढ़ते बढ़ते ये इंडस्ट्री 6 लाख करोड़ को क्रॉस करे। कंट्री हमारा डेवलपिंग कंट्री है तो सीधी बात है कई इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का बड़ा रोल होगा। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी 34% पेनेट्रेट हो चुका है तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ का धंधा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इंडस्ट्री के बारे में, जहां हम ढूंढने का प्रयास करेंगे वेल्थ क्रिएटर आने वाले समय के लिए, और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये इंडस्ट्री हमें पैसा बना के दे सकती है या नहीं। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। दोस्तों, कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बढ़िया रहना चाहिए, उनमें से एक है ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम। हमने देखा है दोस्तों, पिछले दशक से पॉपुलेशन 1.5% से बढ़ता है और जो GDP है वो 8% से बढ़ता जा रहा है। तो सीधी बात है, जो ये स्प्रेड है, बीच का जो डिफरेंस है, उसका लाभ इंडिविजुअल इनकम को हो रहा है। इसी वजह से लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है। स्टेडीली बढ़ती इनकम की वजह से हमारी दोस्तों डिस्पोजेबल इनकम, हमारी स्पेंडिंग बढ़ती है। आज का भारत जो अंदाजे से 1.5 ट्रिलियन कंज्यूम करता है, ये 2030 आते आते 6 ट्रिलियन कंजप्शन का एक बड़ा मार्केट होगा, जिसके पीछे कारण है बढ़ती हुई आमदनी। कारण नंबर 2, जबरदस्त बढ़ता हुआ मिडिल क्लास। दोस्तों ये अंदाजा है, 2030 आते आते भारत 14 करोड़ मिडिल इनकम और 2 करोड़ हाई इनकम हाउसहोल्ड ऐड करेगा। यानी ये जो सेगमेंट है मिडिल इनकम और हाई इनकम, ये टोटल 51% शेयर को रिफ्लेक्ट करेगा। आज जैसा आप देख पा रहे हो भारत में दोस्तों खाली 24% पॉपुलेशन को हम कंजप्शन वाली पॉपुलेशन कह सकते हैं, जो सही में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। और ये पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो इससे प्रोडक्ट के सेल को जबरदस्त को मिल सकती है। हम लोअर इनकम से हाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा बड़ा कारण, एक्सेलरेटेड अर्बनाइजेशन। दोस्तों आज का इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है गांव में और शहरों में। भारत में 5 लाख से अधिक गांव है, 7,000 से ज्यादा शहर है। 65% पॉपुलेशन रूरल यानी गांव में रहती है तो 35% पॉपुलेशन सिटी यानी अर्बन में रहती है। लेकिन ये 25% अर्बन पॉपुलेशन 65% कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों मोर ओवर, इंडिया भले बहुत बड़ा कंट्री है लेकिन 75% GDP गिने चुने 8 कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट से आता है जो हाईली डेवलप्ड है, जहां का GDP पर कैपिटा ज्यादा है। आज दोस्तों भारत में करीबन 50 सिटी है जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जो हाई कंजप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2030 आते आते अर्बनाइजेशन की वजह से 79 सिटीज ऐसे हो जाएंगे जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगा। और खास चीज ये है कि ये 79 सिटीज
77% जीडीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। भारत का 44% कंज्यूमिंग क्लास यहां रहता होगा। हम मानते हैं कि आज का एवरेज इनकम इंडिया का अंदाजे से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में है, लेकिन रूरल में रहते हुए व्यक्ति की सालाना आमदनी 1 लाख से भी कम है, और जो मेगा सिटीज में रहते हैं यानी बड़े शहर जो भारत के 10 है, उनकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है। तो हाईली डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में रूरल अर्बन। ये चीज दोस्तों इफेक्ट करती है कंसम्पशन को, फिर चाहे हम एयर कंडीशन की बात करें, वॉशिंग मशीन, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, या तो फिर हवाई की मुसाफरी हो। एक चीज तय है, इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है, तो ये इन सारी प्रोडक्ट्स को जबरदस्त बूम देगी, और आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स का कंजप्शन हम हाई होता हुआ देखेंगे। दोस्तों चौथा और बड़ा कारण बूम का होगा डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी इंडिया। 2030 आते आते 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग सेमी अर्बन या रूरल में इंटरनेट के एक्सेस के साथ होंगे, जो अलग अलग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते होंगे इंटरनेट एक्सेस के साथ। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, अब तक का भारत हमने देखा है लो इनकम का भारत, आने वाला जो दशक हम देखेंगे ये इंक्रीजिंग इनकम वाला भारत, जो ये सारी प्रीमियम प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों एप्पल हो या सैमसंग, वही सेक्टर से तो बाहर आती है, और देखो आज 3-3 लाख करोड़ के प्रॉफिट करने वाली कंपनी बन गई। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को तब बेच सकती है, वहां बेच सकती है जहां पे पॉपुलेशन हो और वो पॉपुलेशन पैसा कमाती हो। इन दोनों चीजों का संगम हम 2030 में देखने वाले हैं। आज का भारत भले ही 6% पेनेट्रेटेड हो एसी से, दोस्तों दुनिया 30% पेनेट्रेट है एसी से। दोस्तों इसीलिए ये अनुमान है आने वाले दशक में अगर 100 करोड़ एसी दुनिया में बिकने वाले हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर इंडिया का रहेगा। तो आइए हम जाने कौन सी इंडस्ट्री बड़ी बनकर उभर कर बाहर आएगी और इस बूम का लाभ लेगी। हम आने वाले संडे के इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे आपको। नेक्स्ट संडे 12 जुलाई गोवा और चंडीगढ़ के इन्वेस्टर्स के लिए 5 Steps Towards Wealth का एक सेशन का आयोजन किया गया है, जहां पे हम लोग ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, क्वालिटी कंपनीज, स्ट्रेटेजीज पे कुछ चर्चा करेंगे। यू कैन टेक पार्ट इन दिस एनुअल इवेंट। इसके अलावा 19 जुलाई को सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिट मेकिंग के एक फुल डे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, और 29 जुलाई से एक नई 11 वीक की वेल्थ क्रिएशन बैच शुरू होगी। दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख सकते हो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मिलकर करीबन 80,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। दोस्तों करीबन 12 लिस्टेड कंपनी है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। इन कंपनियों ने 700 करोड़ के इक्विटी का निवेश किया हुआ है। 700 करोड़ के निवेश के साथ ये कंपनियां बनी और आज करीबन 40,000 करोड़ का ये हिस्सा कर रहे हैं। 40,000 करोड़ का बिजनेस, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट और मार्केट कैप धंधे से दुगना यानी 80,000 करोड़ का। ये 2x इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस इंडस्ट्री के। पूरे इंडस्ट्री का दोस्तों डेटा आपके सामने है। सबसे पहले मुर्गी की अंडा, यानी बिजनेस में पहले धंधा आता है कि पहले पैसा लगता है? तो धंधा शुरू होता है दोस्तों, बिजनेस शुरू होते हैं पहले धंधे से नहीं। पहले कोई भी कंपनी में पैसे निवेश किए जाते हैं, फंड मोबिलाइज किया जाता है,
अब देख सकते हो, धंधा चालू करने के लिए या बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए सबसे ज्यादा पैसा निवेश हुआ है वीडियोकॉन में। पूरी इंडस्ट्री ने मिलके अगर 700 करोड़ रुपए का फंड इक्विटी से मोबिलाइज किया है तो उसमें 50% वीडियोकॉन का अकेले का है। दोस्तों दो तरीके होते हैं कंपनी में निवेश के, एक है इक्विटी, एक है डेप्ट। दोस्तों डेप्ट यानी कर्जा, अब देख सकते हो पूरी इंडस्ट्री ने मिलके 60,000 करोड़ की डेप्ट यानी लोन ली हुई है, उसमें से 59,000 करोड़ तो अकेले वीडियोकॉन की है। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा साधा है कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो वही कंपनी अच्छा काम कर सके। अच्छा धंधा करने के लिए अच्छी नीयत और अच्छा मैनेजमेंट जरूरी है। ये चीज एक बड़ी लर्निंग है हर एक निवेशक के लिए। जरूरी नहीं है कि मेरे पास कम पैसा है तो मैं वो नहीं कर सकता हूं जो ज्यादा पैसे वाले लोग कर सकते हैं। इफ फंड इज मैनेज्ड वेल वी कैन डू एनीथिंग। ये इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टास जैसी कंपनियां, सिर्फ 30 करोड़ की इक्विटी, सिर्फ 5 करोड़ की इन्होंने डेप्ट ली हुई है, पर फिर भी ये लोग आज 500 करोड़ का प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों सीधा मतलब है धंधे के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, राइट। इक्विटी आपने देख लिया, 700 करोड़ इक्विटी में से 50% इक्विटी खाली वीडियोकॉन की। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप डेप्ट भी देखो तो पूरे इंडस्ट्री की 99% डेप्ट तो खाली वीडियोकॉन ने ली हुई है, राइट। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में धंधा करने के लिए सिर्फ डेप की जरूरत नहीं है। जिन्होंने डेप ली वो तो मेरे ख्याल से घर भी चले गए अभी, राइट। इतनी डेप, इतनी इक्विटी के बावजूद भी क्या धंधा या प्रॉफिट वीडियोकॉन ने किया? कम डेप, कम इक्विटी से कंपनियों ने क्या किया दोस्तों? ये हम देख सकते हैं सेल्स फिगर में। आपके सामने है सेल्स फिगर, सिर्फ 30 करोड़ की इक्विटी और 5 करोड़ की डेप से आपकी वोल्टा 7-8 हजार करोड़ का धंधा करती है। लेकिन ज्यादा इक्विटी ज्यादा डेप से आपका वीडियोकॉन खाली 5 हजार करोड़ का धंधे करने में सक्षम है, और इतने पैसे होने के बावजूद भी वो करते तो लॉस ही है। तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए इनको कि भाई पैसे का क्या किया। हमें क्वेश्चन ये भी करना चाहिए कि ये जो प्रॉफिट है लॉस वीडियोकॉन का, ये आज से नहीं है 5 साल से है, फिर भी क्या देख के कुछ बैंक ने इनको लोन किया दिया? इसी वजह से तो उनपे बड़े क्वेश्चंस आए हैं, राइट। क्योंकि ये डेटा आपके सामने है, सबके सामने भी होगा, राइट। सेल्स वाइज अगर आप देखो तो दोस्तों वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार, ये कुछ 3 कंपनियां हैं जो, लेट मी चेक सेल्स डेटा, ये 3 कंपनियां हैं दोस्तों जो मेजोरिटी सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1, 2, 3 ये 3 कंपनियां 50% धंधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। तो बाकी गांव एक तरफ, 3 कंपनी एक तरफ। दोस्तों धंधा जो कर सकता है वो बिजनेस वाले लोग हैं जो मार्केट समझ पाए हैं, प्रोडक्ट को बेच पाए हैं। दोस्तों प्रॉफिट अगर हम देखें, प्रॉफिट धंधे में कन्वर्ट जो कंपनियां कर सकी है वो है वोल्टास, वर्लपूल, और यहाँ पे ब्लू स्टार नहीं आता है बल्कि है सिंफनी। तो सिंफनी यस हम मानेंगे इतना बड़ा धंधा नहीं करती है, 1000 करोड़ का खाली धंधा है, पर फिर भी ये लोग प्रॉफिट अच्छा कर पाते हैं क्योंकि मार्जिन अच्छे होंगे। गॉट इट? ऐसा तब होता है जब दोस्तों कुछ मोनोपोली प्रोडक्ट हो, कुछ फोकस्ड सेगमेंट हो। दोस्तों आप जानते हो सिंफनी इंडिया की सबसे बड़ी एयर कूलर की कंपनी है, इंडिया की ही नहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंपनी इन्होंने खरीद चुके हैं। सिंफनी इज डूइंग गुड इन देयर बिजनेस, उसी की वजह से ये लोग कम धंधा पर प्रॉफिट तगड़ा करते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट और धंधे दोनों को अगर ध्यान में रखे तो हमें फोकस करना चाहिए वोल्टास, वर्लपूल, सिंफनी, राइट। इन कंपनियों को धंधा करना आता है और धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आता है,
इनको बहुत रुपयों की जरूर नहीं है, फिर भी ये लोग धंधा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे टॉप क्वालिटी कंपनीज, इन टॉप की कंपनियों में से जो धंधा और प्रॉफिट कर सकती है, वैसी कंपनी में से हम कुछ क्वालिटी ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्वालिटी ढूंढने के लिए पहले धंधा देखा जाता है कि वो धंधा कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अच्छा बिजनेस और प्रॉफिट करने वाली कंपनी देख ली। अब दोस्तों हम ये इंडिकेटर देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है अपने धंधे को। उसमें आती है टॉप पे सिंफनी, जो हमने पहले ही देख लिया, वो फोकस डिफरेंट सेगमेंट में है और सबसे बढ़िया उनके मार्जिन है, 17% प्रॉफिट मार्जिन की ये कंपनी है। कोई डाउट नहीं, अच्छी कंपनी है, छोटी है लेकिन बढ़िया है। बड़ी कंपनियों में वर्लपूल, वोल्टास, इनके भी मार्जिन दोस्तों अच्छे हैं। बाकी जो लोग लॉस कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी कंपनियों को देखने की जरूर नहीं है। यस, मैं जरूर कहूंगा कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, तो आज की जो लॉस मेकिंग है वो भी कल की प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। पर ऊपर का जो लिस्ट वो है जो विपरीत परिस्थिति, खराब समय में भी अगर प्रॉफिट करते हैं तो तगड़े समय में ये बढ़िया काम करेंगे। अगर 5-6 साल अच्छे ना भी रहे तो भी कम से कम हमें प्रॉफिट तो मिलता जाएगा इन कंपनियों से। इसीलिए दोस्तों टॉप फोकस करने लायक कंपनियों में सिंफनी, वर्लपूल, वोल्टास का नंबर जरूर लगता है। लॉस मेकिंग लो मार्जिन कंपनी पे दोस्तों ध्यान न दे। प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा इंडिकेटर है क्वालिटी देखने के लिए। प्रॉफिट मार्जिन के अलावा डेप्ट देखनी जरूरी है। अब डेप्ट खाली वो डेप्ट नहीं, हो सकता है सिंफनी छोटी कंपनी हो तो उनके डेप्ट को हम वोल्टास या वर्लपूल से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए खाली डेप्ट डेटा से आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि छोटी कंपनी की छोटी डेप्ट होगी, बड़ी कंपनी की बड़ी डेप्ट होगी। खाली डेप्ट से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पर आप ये दो इंडिकेटर है आईसीआर और डीई, डेप्ट टू इक्विटी या आईसीआर। मैंने आईसीआर प्रायोरिटी में इसलिए लिया है क्योंकि एक अच्छा इंडिकेटर है। आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब सिंफनी ने धंधा किया, सिंफनी ने खर्चा किया, जो पैसे बचे अब उन्हें फाइनेंस कंपनियों को इंटरेस्ट पे करना है, तो वो कितने पैसे बचे, वो कितना कमा पा रहे हैं व्याज यानी फाइनेंस देना है उसके मुकाबले। तो दोस्तों यहां पे वर्लपूल, वोल्टास डेप्ट वाइज ज्यादा कंफर्टेबल है, इवन जेसीएचए इज कंफर्टेबल, पर कम डेप्ट होने के बावजूद भी इनके मार्जिन इतने अच्छे नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा जरूर वोल्टास, वर्लपूल, ये दोनों कंपनियां एंड इवन सिंफनी, राइट। बड़ी कंपनियों में वर्लपूल, वोल्टास बढ़िया कंपनी है, धंधा करती है, मार्जिन अच्छे है, डेप्ट वाइज हाईली कंफर्टेबल है हम लोग। अगर यही डेप्ट को हम इक्विटी से कंपेयर करें, डेप्ट टू इक्विटी, देखो इस केस में अगर हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, राइट, तो ये केस में कभी हमें धोखे भी होते हैं। धोखे कैसे हो सकते हैं उसका भी मैं आपको जरूर उदाहरण बताना चाहूंगा। कुछ कंपनियों की इक्विटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छूट मिली है कितनी भी डेप्ट लेने की, क्योंकि अगर आप बड़ी इक्विटी वाली कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो तो उनका कंफर्टेबल लगेगा, वो थोड़ी ना अच्छी चीज है। इसीलिए मैंने आपको डीई के साथ आईसीआर के भी डेटा दिए। डेप्ट टू इक्विटी देखो तो वोल्टास इज हाईली कंफर्टेबल, राइट। देखो बीपीएल भी हाईली कंफर्टेबल है, अरे लेकिन कंफर्टेबल थोड़ी ना है। बीपीएल का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्यों ऐसा है, देखो उनकी इक्विटी 48 करोड़ की और डेप्ट 3 करोड़ का, राइट। अब ये 48 करोड़ की इक्विटी कम नहीं है, ये ऑलरेडी इतना पैसा लगा के बैठे, राइट। अब वोल्टास देखो 33 करोड़ की इक्विटी पे 8000 करोड़ का धंधा करता है, और बीपीएल 50 करोड़ यानी ज्यादा निवेश हुआ है, फिर भी धंधा तो खाली 100 करोड़ का कर रहे हैं, तो घटिया है, अच्छा थोड़ी ना बोलेंगे, पर इनका डीई रेशियो आपको अच्छा दिखेगा। इसीलिए दोस्तों हम पहले से खाली डीई रेशियो नहीं देखते हैं, राइट। सो इतने डेटा देख के इतना पता चल गया कि यस, मुझे वोल्टास पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। Voltas is one of the top companies who do business and by debt wise, by fundamental, it is good company.
रिटर्न टू ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कंपनियों ने जितना निवेश किया इक्विटी के रूप में, पुराने स्टेक होल्डरों ने जो पैसा लगाया उसके मुकाबले वो कितना कमा रहे। हियर यू कैन सी वोल्टास के निवेशक सबसे ज्यादा पैसा कमाए हैं, सिंफनी के निवेशक अच्छा पैसा कमाए हैं और डिक्सन। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन डिक्सन एक छोटी कंपनी है इनके मुकाबले, लेकिन हम डिक्सन अंबर का कंपेरिजन वोल्टास वर्लपूल से कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक सब सेगमेंट है। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी वोल्टास, सिंफनी या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ये सप्लाई करते हैं, तो इनकी इंडस्ट्री अलग है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि चलो मार्जिन इनके कम है, आईसीआर इतना कंफर्टेबल नहीं है, पर निवेशकों ने पैसा कमाया है। अगर मैं ऐसी कंपनी पे ध्यान देना चाहूं तो यहां पे डिक्सन अंबर को अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी कंपनी है, राइट। दोनों ही कंपनियां अच्छी ग्रोथ कर रही है और दोनों के फंडामेंटल ऑलमोस्ट सेम है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी से अलग होती है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मैंने बताया कि पुराने स्टेक होल्डरों ने कितना निवेश किया और कितना कमा रहे। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यह है कि चलो पुराने निवेशकों ने निवेश किया, हर साल प्रॉफिट किया, प्रॉफिट डिविडेंड में बांटते गए, हम कमाते गए, डिविडेंड से पैसा मिला, बोनसेस से पैसा मिला, अलग अलग तरीकों से पैसे बटने के बाद भी जो पैसे बचते हैं वो अदर इक्विटी रिजर्व में इकट्ठा होते जाते हैं। तो टोटल कंपनी ने अगर इक्विटी अपने पास ही रखी है, जैसे एमआरएफ जैसी कंपनियां जिन्होंने इक्विटी अपने पास रखी है वो बोनस नहीं देते, तो उस पे हमें अच्छा मिलना चाहिए। अब इक्विटी पे भी कम पैसा मिलेगा तो इससे तो अच्छा है कि मैं वो शेयर बेच के एफडी में डाल दूं, जैसे बीपीएल है तो 2% दे रहे वो अपने स्टेक होल्डरों को, तो क्या जरूर है यहाँ पे पैसा डाल के, इससे तो अच्छा है एफडी में रहेगा, 6% तो मिलेगा। सेम थिंग इन पीजीईएल, सेम थिंग आपको कई नेगेटिव कंपनियां है, छोड़ो उनको, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको सबसे बढ़िया दे रही है सिंफनी, वर्लपूल, वोल्टास, एम्बर, डिक्सन, सारी ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी मिल रही है। तो दोस्तों निवेश तो करना ही चाहिए। देखो धंधा बढ़ने के चांसेस अच्छे लग रहे हैं, पुराने डेटा इतने अच्छे नहीं है, राइट। एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि ये सारी कंपनी की एवरेज लो तो भी 19% मिल रहा है, तो इट इज अ गुड इंडस्ट्री। डेप्ट वाइज कंफर्टेबल है, खाली एक वीडियो कौन गेम कर गई, पर ऐसी कंपनी से दूर रहो ना, टॉप की कंपनियों में हम निवेश करेंगे। ये सारे डेटा देखने के बाद मेरे हिसाब से वी कैन फोकस ऑन वोल्टास एंड वर्लपूल ऑन अ बिग कंपनी, मोर ओवर वोल्टास। वी कैन फोकस ऑन स्मॉल कंपनी इन सिंफनी, अगर स्मॉल कंपनी में निवेश करे 1-2% लगाए, बड़ी कंपनी में निवेश करे 4-5% लगा सकते। वी कैन इन्वेस्ट इन एम्बर और डिक्सन ऑल्सो, पर यहाँ पे भी 1-2% पोर्टफोलियो का निवेश कर सकते। इतनी कंपनी फोकस करने के लायक है, बाकी कंपनियों पे ध्यान नहीं देंगे चलेगा। ये चीज थी दोस्तों क्वालिटी, अब क्वालिटी के साथ ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। कुछ कंपनियां क्वालिटी होती है पर अगर वो कंपनी ग्रोथ नहीं करती तो दोस्तों पैसा नहीं मिलता है। तो लेटेस्ट चेक ग्रोथ डेटा दोस्तों, टॉप ग्रोइंग कंपनीज एवरेज देखे तो ये इंडस्ट्री पिछले 2 दशक में 21% के ग्रोथ से बढ़ रही है, पिछले 10 साल में भी ये लोग 16% से बढ़े हैं, और यस ये इंडस्ट्री प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकी है अपने ग्रोथ को, जो प्रोडक्ट बेच के सेल्स किया उससे ये लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। इसके अलावा टोटल डेटा अगर हम देखें तो दोस्तों वर्लपूल, सिंफनी, जेसीएचएसी, ब्लू स्टार, वोल्टास, इन सारे लोगों ने बढ़िया ग्रोथ किया है, प्रोडक्ट बेच सके है 2 दशक से। पिछला 1 दशक देखे जहां पे ग्रोथ कम है पिछले 2 दशक से, राइट, लेकिन वर्लपूल, सिंफनी, जेसीएचएसी जैसी कंपनियां पूरी प्रॉफिट में इतना कन्वर्जन नहीं कर सकी है, क्योंकि वो तीनों कंपनियां कंसिस्टेंट नहीं थी प्रॉफिट में, उन्होंने कई बार लॉसेस भी किए हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जिन्होंने कभी कभी लॉस भी किए हैं तो भविष्य में भी ध्यान रखना चाहिए।
कभी कभी लॉस आ भी सकते हैं। हाई कंसिस्टेंसी दोस्तों वोल्टास में ही है, इसलिए कहूंगा क्योंकि दो दशक में इन्होंने 21% से प्रॉफिट बढ़ाया है, कंसिस्टेंटली एवरी ईयर प्रॉफिट किया है। बाकी कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने 20 साल में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किए हो। पिछले 10 साल में धंधा भी कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ है, पर प्रॉफिट किया है। दोस्तों जब मैंने डेटा 10 साल पहले देखे थे, मैंने डिसीजन लिया 2010 में वोल्टास में निवेश किया जाए। आज इतना मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने निवेश किया, मुझे हर साल डिविडेंड मिला है, मुझे कंसिस्टेंटली पैसा मिला है। व्हाई? बिकॉज़ ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया है, राइट? तो कंसिस्टेंसी देखते हुए मेरा वेटेज वोल्टास पे ज्यादा जाएगा। कुछ कंपनी जो नई आई है, डिक्सन और अंबर जैसी, इनके दो दशक के डेटा नहीं है, पर आप देख सकते हो 10 साल में तगड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, 25-30% का ग्रोथ है इन कंपनियों का। तो ग्रोथ को ध्यान में रख के 1-2% जरूर निवेश कर सकते हैं, प्रॉफिट में भी ये लोग अपने ग्रोथ को कन्वर्ट कर सके हैं, राइट फ्रेंड्स? अगर ग्रोथ किया है जो कि हमने पिछले चार्ट में देखा, तो पैसा भी बना होगा। भले इंडिया में सिर्फ 6% एसी है, भले इंडिया में कम वॉशिंग मशीन है, कम एलईडी टीवी है, लेकिन जो कुछ पीछे बिके है उस पे कंपनियों ने भी अच्छा मुनाफा तो किया ही है। तो निवेशकों को क्या मिला? आप देख सकते हो एवरेज रिटर्न इस इंडस्ट्री ने 28% पिछले दो दशक में दिए है, पिछले 10 साल में भी एवरेज 30% का प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, 10% डिविडेंड कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक चीज तय है, दो दशक या एक दशक पहले जो निवेशकों ने ये चीज समझ के कि इंडिया ग्रोथ करेगा, इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिकने वाला है, सोच के निवेश किया, उन्होंने भी बढ़िया पैसा कमाया है। दोस्तों 28% सीएजीआर का मतलब होता है अगर किसी ने 1,00,000 निवेश किया तो आज की वैल्यू उसकी 1.5 करोड़ होनी चाहिए। सो गुड ग्रोथ। सिंफनी, वर्लपूल, जेसीएचएसी, वोल्टास सारी कंपनियों ने बढ़िया कमा के दिया है, दो दशक में भी, एक दशक में भी। अब कुछ कंपनियों ने डिविडेंड बहुत कम दिया है, तो हो सकता है डिविडेंड कम देने वाली कंपनियां रिजर्व उनका बुक वैल्यू अच्छा बढ़ता है, जिसकी इफेक्ट प्राइस पे ज्यादा आती है। वोल्टास जैसी कंपनी डिविडेंड हाई डिस्ट्रीब्यूट करती है, ब्लू स्टार हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखो वोल्टास जो कमाता है 25% अपने इन्वेस्टर को बांट भी देता है। वोल्टास ने पिछले 20 साल में 28% एप्रिसिएशन दिया और पिछले 10 साल में 14% का एप्रिसिएशन दिया है, राइट? सो गुड वेल्थ क्रिएशन विद कंसिस्टेंट इनकम हुई है दोस्तों, राइट? यस। अगर पिछले 15-20 साल में कंपनियों ने इतना ग्रोथ किया, प्रॉफिट हुए, पैसे लोग कमाए, आने वाले 15-20 साल भी ये इंडस्ट्री के अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, कंपनियों के सेल्स बढ़ेंगे, निवेशकों के पैसे बढ़ेंगे, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे, राइट? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड लास्ट थिंग। ये हमने देखा कि किसने पैसा कमा के दिया, तो एक चीज तय है, मैंने 10 साल पहले वोल्टास में निवेश किया, 14% रिटर्न, 25% एवरी ईयर डिविडेंड मिला है, राइट? अभी के क्या हाल है, ताजा हाल क्या है, ये भी आपके सामने है दोस्तों। ताजा हाल देखे तो जो बड़ी कंपनियां हैं, वर्लपूल, वोल्टास, ब्लू स्टार, यानी जो प्रॉपर एसी में या प्रॉपर वॉशिंग मशीन, जो प्रॉपर प्रोडक्ट में डील करती है, उनके धंधे म्यूटेड है। हम जानते हैं ग्लोबल पूरी इकोनॉमी म्यूटेड है, जिसकी इफेक्ट इंडिया में भी है। कोरोना इफेक्ट तो अभी चलो आई भी नहीं है यहाँ पे, पर कोरोना की भी इफेक्ट इस साल आएगी, पहले 3 महीने में तो आएगी ना। अभी तक का डेटा कंसीडर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेड इकोनॉमी, जबकि कई इंडस्ट्रीज 0 से भी कम% ग्रोथ पे है, वो समय पे भी ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। डेफिनेटली देखो वोल्टास का भी ग्रोथ 7% है, तो ये बुरा नहीं है।
इंडिया का जीडीपी हम जानते हैं 4% आ गया था पिछले क्वार्टर। शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री इंडिया को आउट परफॉर्म तो कर रही है। प्रॉफिट 1% से बड़े, वर्लपूल के प्रॉफिट अच्छे बड़े हैं, राइट। ये अच्छे बढ़ने में टैक्स का भी योगदान है, कॉर्पोरेट टैक्स कट जो हमने देखा, वर्लपूल के धंधे भी अच्छे बड़े हैं दोस्तों, राइट। तो करंट ट्रेंड देखते हुए हमें ये पहले से सोचना चाहिए कि डिक्सन अंबर जैसी कंपनियां जिनका धंधा जबरदस्त है, प्रॉफिट अच्छे हैं, ये लाइफ टाइम हाई पार करेंगे, नए नए हाई लगाएंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरा पैसा वहां डालें। हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है छोटे प्लेयर में, 1-2% पैसा जरूर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां बढ़िया चलनी चाहिए शॉर्ट टर्म में भी। बड़ी आपकी जो कंपनी है वोल्टास जैसी कंपनी जहां पे आप निवेश कर रहे हो, ये साल करेक्शन रह सकता है। करेक्शन मतलब आप में से जो लोग कमा रहे हो, यू कैन कंटिन्यू योर एसआईपी। हम लाइफ टाइम हाई प्राइस इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं आने वाला है, राइट। तो तैयार रहो, करेक्शन पीरियड है, इकट्ठा करते जाओ ताकि ये जैसे ही खराब फेज निकल जाए आपके पास सस्ते भाव पे कंपनियां इकट्ठा हो चुकी हो और तेजी में जबरदस्त पैसा कमाए दोस्तों, राइट। तो दिस वॉज ऑन दिस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। करंट ट्रेंड भी हमने देख लिया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी देख लिया दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको वोल्टास के कुछ और डेटा भी बताना चाहूंगा दोस्तों। ये है दोस्तों वोल्टास का हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा आपको इसलिए काम लग सकता है दोस्तों क्योंकि हमें कई चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। जैसे वोल्टास एज पर दिस डेटा 800 करोड़ 900 करोड़ का धंधा करता था 2002 में। कंसिस्टेंटली इनके बिजनेसेस बड़े हैं, कैन यू सी। पिछले 18 सालों में सिर्फ एक समय ऐसा था 2014 जब इनके धंधे घटे थे। सो हाई कंसिस्टेंसी इन देयर बिजनेसेस एंड दैट इज द रीजन कंपनी के प्रॉफिट पिछले 18 साल में सिर्फ यहां पे एक बार और 2019 में एक बार, दो बार घटे थे दोस्तों। प्रॉफिट हमेशा धंधे से ज्यादा वॉलेटाइल होंगे क्योंकि धंधा आता है सेल्स से, इकोनॉमी से, जीडीपी रिफ्लेक्ट करता है धंधे पे, पर प्रॉफिट आता है इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट से, कई चीजें यहाँ पे काम करती है, राइट। तो प्रॉफिट कंपनी के ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं जिसके कारण इन्वेस्टर के माइंड पे इफेक्ट होती है। प्रॉफिट जब जब घटते हैं तब तक शेयर के भाव में जबरदस्त गिरावट देखी जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे समय का फायदा उठाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कल अगर वापस एसी बिकने वाले हैं तो फिर वोल्टास नहीं तो फिर कौन सी कंपनी के लेंगे, बीपीएल के लेंगे क्या, राइट। वो लोग इन चीजों का फायदा उठाते हैं। नॉर्मल लेमन इन्वेस्टर ऐसे समय पे माल बेच देते हैं और उनके हाथ से अच्छे शेयर निकल जाते हैं। यू कैन सी वोल्टास 15 करोड़ का प्रॉफिट करता था और आज 500 करोड़ का प्रॉफिट पे पहुंच चुका है। अगर मैंने वोल्टास में निवेश किया होता, ये 2002 में उसका भाव करीबन 50 रुपए के आसपास था और अर्निंग 5 रुपया एक शेयर पे मिलती थी। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते गए मेरी आमदनी बढ़ती गई, आमदनी बढ़ते बढ़ते आज ये कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। कंपनियों ने कई बार बोनस स्प्लिट किया है जिसके कारण उनका ईपीएस एक्चुअल आज 15 है, पर रियल ईपीएस हम 155 मानेंगे। तो देखो, आपने 50 रुपए में शेयर लिया, उस समय 5% मिलता था, कितना कम मिलता था। लेकिन ये धंधे बढ़े जिसके कारण आज आपको वही कंपनी 50 की निवेश पे 150 रुपया दे रही है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा निवेश होगा जहां पे आप एक बार निवेश करते हो, हर साल पैसे मिलते हैं जो बढ़ते रहते हैं और आज वही निवेशक हर साल के 3 गुना रुपए पा रहे हैं। खास चीज, अभी तो खाली 6% एसी बीच के है, वोल्टास 25% मार्केट है इनका एसी में। जस्ट अंदाजा लगाइए, 4 में से 1 एसी वोल्टास का। आने वाले समय में धंधे बढ़ेंगे और अर्निंग बढ़िया रहेगी दोस्तों। लोग 20-50% प्रॉफिट करने का सोचते हैं, आपको ये वेल सोचनी चाहिए।
भाव में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी क्योंकि प्रॉफिट ऐसे प्लस माइनस होने ही वाले हैं। मेरा अंदाजा है दोस्तों 2030 तक मेरे हिसाब से कंपनी आज जो 500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है 1500 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी, और आज जो इनका 15 रुपए का ईपीएस है ये 2030 आते आते मैं देखूंगा ये ऑलमोस्ट 45-50 रुपीज हो जाएगा। तो आज जितनी मुझे आमदनी मिल रही है ये तो और 3 गुना बढ़ने वाली है। जस्ट अंदाजा लगाइए, मैंने 2010 में जब ये खरीदा तब मेरे को कितना मिल रहा था, 10 रुपीज, राइट। फिर बोनस स्प्लिट ये सारी चीजें भी हुई है, कंसिस्टेंट इनकम, कोई साल मेरे को बताओ लॉस का है क्या? जो लोग ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो फ्रीक्वेंट प्रॉफिट लॉस होती है, ऐसी कंपनियां लो पी की होती है, तो लो पी पे खरीदने वाले लोग हमेशा ऐसी कंपनियों में फंसते हैं, उन्हें कभी हाई क्वालिटी नहीं मिलती। 10 बजे के बाद जो टमाटर खरीदे जाते हैं बाजार से वो आपको पता है कैसे होते हैं, हाई क्वालिटी का माल तो पहले बिक चुका होता है, राइट। ये वही चीज है दोस्तों, पी पहले मत देखो, पी क्वालिटी नहीं बताती है, क्वालिटी देख के पी देखो, जब जब मौका मिले लो पी पे इन्वेस्ट करो, राइट। तो दिस वाज ऑल थिंग अबाउट वोल्टास। आई एक्सपेक्ट ये इंडस्ट्री कमा के देनी चाहिए आने वाले समय में दोस्तों। खास चीज दोस्तों यहाँ पे ये है, कंपनी कोई भी सिलेक्ट करो देखो ग्रोथ मिलेगा, पर अगर आप कंसिस्टेंट कंपनी लोगे तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा, राइट। डिस्क्लोजर बता दूं, हमारी कंपनी का काम टिप देने का नहीं है, वी आर नॉट टिप गिवर, हम लोग का काम है सिखाने का, राइट। अलग अलग वर्कशॉप्स, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स अपने आप को अपग्रेड कर सके। डिस्क्लोजर हम कह रहे इसलिए बाय मत करना, अब अपने हिसाब से डेटा चेक करना और फिर डिसीजन पे आना कि आपको कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए, शार्प में कि वोल्टास जैसी कंपनी में। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।